तैयार हैं अपने ऋषिकेश के ट्रिप के लिए। कियान बहुत एक्साइटेड है और हम ऋषिकेश के सफर पर चल पड़े हैं। ये आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम जिसमें हम रुके, और बहुत ही सुंदर आश्रम है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा स्टे रहा हमारा। ये कॉटेज के बाहर का एरिया है हमारे, ऑसम व्यू है। बारिश हो रही है, ठंड भी काफी बढ़ गई है यहाँ पर। ये हमारा कॉटेज है, चलिए देखते हैं कैसा है। ये आश्रम बहुत ही फेमस है, देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सामने हमारे कॉटेज से व्यू है, इट्स ऑसम। यहाँ पर एक फैमिली आराम से स्टे कर सकती है क्योंकि स्पेस काफी है। दो रूम्स दिए हैं, अटैच बाथरूम है, बाहर डाइनिंग एरिया भी है। लेफ्ट में किचन है, ये दूसरा रूम है, तो काफी स्पेशियस है और हम अपनी फैमिली के साथ आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कियान अपना ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिला है आलू पराठा एंड उपमा और पूरी सब्जी, जो कि यम है, बिलीव मी, बहुत ही फ्रेश खाना था और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप आश्रम से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आश्रम में ही आराम से रहना चाहते हैं, तो भी आपको फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आश्रम के बिल्कुल बाहर ही गंगा जी दिखती हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है। आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, विद इन कुछ मीटर्स ही आपको गंगा जी मिलेंगी। इट्स ऑसम। तो हमने यहाँ पर थाली ली है चोटी वाले होटल में, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर, और थाली बहुत ही यम लग रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें और बहुत ही सफाई से यहाँ खाना बनता है। मैं यहाँ 10 साल पहले आई थी, तब भी टेस्ट इसी तरह से था और टेस्ट इंटैक्ट रखा है इन्होंने। इट्स यम, आप एक बार यहाँ ज़रूर ट्राई करें। आश्रम में एक बहुत सुंदर मंदिर है और उसी में सारे रिलीजियस प्रोसीडिंग्स यहाँ पर होते हैं। भगवान शिव की मूर्ति आँखों को बहुत ही शांति देती है और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर बैठकर। तो चलिए आश्रम को एक बार देखते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पर ही इनका ब्रेकफास्ट एरिया है और सीधे जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक है। यहाँ पर रूम्स भी बने हुए हैं और कॉटेज भी हैं। कॉटेज कम हैं, कॉटेज सिर्फ 4 हैं, बाकी सब रूम्स हैं। तो ये सब अवेलेबिलिटी आपको ऑनलाइन चेक करनी होगी। हमने भी काफ़ी ट्राई करने के बाद हमें कॉटेज मिला एंड बहुत ही अच्छा स्टे था। और आश्रम बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत हाइजीनिक है, खाना बहुत अच्छा है और आपको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो हमें अपने कॉटेज से ये व्यू मिल रहा था जो कि देखने में बहुत ही ऑसम था। हम ऋषिकेश में 2 दिन के लिए थे और ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। ये आरती का टाइम है, हम आरती में आए हुए हैं, सबने मास्क लगाए हुए हैं। इस यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत भी है और गंगा जी के किनारे आरती का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था और मैं ज़रूर यहाँ पर दोबारा आना चाहूँगी। सो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें और मास्क लगा कर रखें।